आई लव बिहार का लोगो। प्राइस रहता है तलवार सबका 400। कटहल का 120 का है, सही है सही है। बोल का 120 का। तो हेलो जी, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो पे हमारे। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करवाए थे और आधा चीज़ रह ही गया था। तो इस वीडियो में जो भी है सारा कुछ कवर करके हम दिखाएंगे आपको सोनपुर मेला का। इधर देख सकते हो झूला वूला लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है भाई शाम के टाइम पे। अभी हम लोग जा रहे हैं और ज़्यादा मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई उधर से पूरा घूमते घुमाते हम आ चुके हैं फिर से इस साइड। और ये देख सकते हो लाइट वाली झूला काफ़ी मस्त लग रही है। तो भाई इतना ज़्यादा भीड़ है ना, आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोगों को कि नहीं मुझे पता नहीं, जब मैं एडिट करूँगा तभी पता चलेगा। और यहाँ देख सकते हो ये नर्सरी है जिसमें कि आप लोग फूल पौधे खरीद सकते हो आके। तो भाई ये सस्ते मार्केट में पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हो तलवार वगैरह भी है। तो आई डोंट नो तलवार का क्या प्राइस रहता है। ओ भैया क्या प्राइस रहता है तलवार सबका? 400। तलवार 400 का। तो 400 रुपये से यहाँ पे तलवार स्टार्टिंग है और ये भी करवा सकते हो खुद से। तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है। तो भाई यहाँ पे जादू की मार्केट लगी हुई है जिसका टिकट प्राइस ओनली 30 रुपीज़ है। तो जिसको भी जादू देखने का शौक है जाके देख सकते हो, वो देख सकते हो जादूगर का के लड़की वगैरह भी रहती है। पहली पेश करते हैं हिस्स का सबसे खतरनाक प्रतियोगिटी को तलवार से काट के बेटो को भी कैसे अलग करते हैं। Well, it's amazing and amazing and this was one to cut. And you had a window to cross and careful. Singular shot. तो यहाँ पे गन शॉट का भी मजा लिया जाता है, ये देख सकते हो। भाई ये छुटा भाई कैसे है टिकट इसका? 20 रुपए में 6 शॉट मारने के लिए लिया जाता है। ट्राई कर सकते हो, काफी बढ़िया चीज है ये भी गन से शॉट लगाना। मान के चलो इसका कितना हो गया बता दो, इसका उस वाली का बता दो, ये रेड वाली का 120 रुपये दाम है। वर्गट का फूल है 120 रुपया। 120 रुपये दाम है। 11 फ्लावर है ओके। और वॉलबेट का फूल है 120 रुपया दाम। ये पीला वाली, पीला वाली, पीला वाली बता दो। पीला वाला भी 120 का ही है। ये साटन रोज है, ये साटन के कपड़े का है, वॉशेबल है, गंदा हो जाए धुला जाएगा। चलो ठीक है और बता दो आप। इसके बाद इधर आइए, इधर ये 150 का जोड़ा है, 6 फूल लगे हुए हैं, फाइबर का कोट है कि नहीं टूटेगा नहीं, ठीक है। आप आराम से बैठिए भैया। ये देखिए ये 100 प्लांट है ओके। 100 का एक है, डबल लेयर है, ठीक है, ओके भैया। इधर आइए, इधर 150 का एक है। ये सही दिख रहा है, खूबसूरत अद्भुत। धन्यवाद, थैंक यू भैया, ओके थैंक यू। चलो भाई, तो फूल कलेक्शन कुछ ऐसा है यहाँ का, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आना विजिट करना तो देख लेना। और सलमान भाई पूछने के लिए तो जाते हैं, तो भाई आप तो सही है, पूछिए तब। बहुत सही, बहुत सही। और भाई यहाँ अचार की बहुत सारी दुकान है, बहुत सारी वैरायटीज है। तो हम भी चाहते थे कि अचार ले, लेकिन कॉल करके पूछेंगे पहले घर, फिर देखेंगे अचार लेना है कि नहीं। तो चलो तनी भैया से पूछ लिया जाए। तो भैया एक बार बताइएगा कि क्या वैरायटीज रहती है अचार की? बोलिए अचार की कीमत सब क्या क्या भैया थोड़ा बता दीजिएगा इन शॉर्ट में। 120 का है, 160 का। कौन कौन वाले दो चार बता देना अपने हाथ से। ये है मिक्स अचार 120 का है ओके। ये आम का 120 का है, कटहल का 120 का है, सही है सही है। बोल का 120 का, शिमला मिर्च हुआ 170 रुपये किलो। अच्छा ये शिमला मिर्च है, ये आंवला वाली, आंवला वाली आंवला है 320 रुपये के जी। 320 रुपये के जी, सबसे महंगी यही लग रही है। मेरा नज़र तभी उसी पर गया। बहुत सारी अचार की वैरायटीज है यहाँ पे। और घूम जाते भैया तो फिर सोचेंगे, ठीक है। आम अचार कटहल हर चीज, हर चीज का यहाँ पे अचार आपको अवेलेबल होगा। तो आके अगर देख लेना भाई क्या कैसा है, और हम लोग को भी अचार पसंद आ रहा है तो जाते टाइम हम लोग भी लेते हुए जाएंगे।
तो भाई अभी हम आ चुके हैं डॉल शॉप पे, तो बहुत सारी डॉल्स है यहाँ पे देख सकते हो, और काफ़ी सुंदर सुंदर डॉल्स हैं, तो जिनके भी घर में बच्चे हो वो डॉल्स ले सकते हैं। नाम क्या है? पापड़ी है। ओके, पापड़ी, पापड़ी है, खजूर है, मौसमी मिठाई है। अच्छा, आपको लेना था क्या? हम लेंगे। कैसे कैसे बोले भैया ये वाला? तो भाई सन पापड़ी ले रहे हैं यहाँ पे, पापड़ी सॉरी पापड़ी ले रहे हैं, पैक वाला नहीं है क्या? देख लेते हैं, अगर पसंद आएगा तो ले लेंगे सलमान भाई। तो अभी आ गए हैं भाई हम लोग कप वाले मार्केट में, कप गिलास का मार्केट है ये, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज्वेलरी शॉप वगैरह बहुत सारी है। और इधर शायद लेडीज का ज्वेलरी शॉप है, तो मूर्ति भी है यहाँ पे भाई देख सकते हो काफी ज्यादा। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का बैनर और बहुत सारा चीज़ है अंदर देखने के लिए, चलो दिखाते हैं आपको एक बार। आई थिंक यहाँ पे लोगो बनाया जा रहा है, कोई भगवान जी का लोगो है, तो अभी रेडी नहीं हुआ बनके, अधूरा ही है काम। काफ़ी कुछ है भाई मेला घूमने के लिए, लेकिन हम लोग उतना एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम लोगों को घर भी निकलना है, तो जितना एक्सप्लोर करेंगे सारा कुछ आप लोगों को दिखाई देंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गो, चलते हैं हम ये और घुमाते हैं। तो भाई इस मेला के बीच में जो कैंपस है उसमें काफ़ी कुछ बनाया गया है, यह देख सकते हो बैठने के लिए भी काफ़ी मस्त जगह है और बहुत कुछ है घूमने के लिए। यहाँ पे आई लव बिहार का लोगो, जहाँ की सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, और भी बहुत कुछ है जो कि अभी एक्सप्लोर करवाएंगे आपको। तो भाई यहाँ पे जो है ना पूरा बिहार का जितना भी चीज़ होता है सारा कुछ दिखाया गया है। ये देख सकते हो हम लोग का ट्रेडिशनल खाट होता है जिसको चारपाई बोलते हैं, और यहाँ पे है जिसमें कि वो पहले के ज़माने में अरहर दाल वगैरह कूटा जाता था, तो वो है। और इधर देख सकते हो बैम्बो का जो बेंच है वो बना हुआ है, और इधर जो है वो बैलगाड़ी जो चलती थी वो वाली है। तो बहुत कुछ है यहाँ पे बिहार से रिलेटेड ही, एक मतलब बिहार को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे बिहार का क्या क्या ट्रेडिशनल है, जैसे कि ये देख सकते हो शादी का जो डोली का हार होता है वो सब है। तो सारा कुछ है भाई, झूला वगैरह बनाया गया है तो काफ़ी सही लग रहा है। और यहाँ जिधर भी देखोगे भाई ब्लॉगर ही ब्लॉगर नज़र आएंगे। तो चलो यहाँ तो घूम लिए, निकलते हैं यहाँ से, और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना है हम लोगों को। चलो यहाँ बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली हो रहा है फ़ोटो क्लिक करने के लिए, कोई सामने से हट ही नहीं रहा था भाई, तो हम लोग निकल गए वहाँ से। और यहाँ देख सकते हो बैम्बो से बने हुए चीज़ें अभी दिखाते हैं आपको, जो हमारा ट्रेडिशनल चीज़ है उन सब चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। इधर देख सकते हो आप लोग खादी की गमछा वगैरह जो होती है वो यहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को, जो भी बिहार में बनता है वो सारी चीज़ें। तो अंकल ये सब सारी चीज़ें तो बिहार में ही बनती है ना? जी यहीं से बनती है। तो जो भी हम लोग का ट्रेडिशनल चीज़ है उस चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, तो यहाँ की जो चीज़ें हैं खास करके उन्हीं चीज़ों के लिए ये बीच में कैंपस बनाया गया है, जहाँ की आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और ये देख सकते हो जो हैंडमेड हमारे बिहार का बैम्बो से बना हुआ सामान होता है वो सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। सारी चीज़ हैंडमेड होते हैं, और बैम्बो से मतलब लकड़ी बांस जो होती है उससे बनाई होती है डेकोरेशन के लिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, देख सकते हो इसमें लाइट लगाने वाली सिस्टम भी दे रखी है, तो आप इसको घर के अंदर बाहर कहीं भी लटका सकते हो। और ये एक्चुअली फूलदान बनाया गया है, और पता नहीं ये सब क्या सब चीज़ें हैं। चलिए तो अभी और चीज़ें हैं जो कि हम लोग को एक्सप्लोर करना है, तो देखते हैं क्या क्या और घूम पाते। यहाँ पे बहुत सारे बियर हैं जो कि सजा सकते हो आप अपने मेज वेज पे, तो 250 का जोड़ा दे रहे हैं और बीच में एक पेड़ दे रहे हैं। तो बहुत चीज़ है भाई यहाँ घूमते घूमते तो हम लोग को ख़त्म ही नहीं होगा,
रेल टिकट खरीद सकते हैं। ये देखो भाई बच्चा का करतब। तो टैलेंट भाई बहुत सारे बच्चों में है, यहाँ पे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा ऐसा यूनिक यूनिक चीज मेला में। और ये देखो कितना बड़ा गेट है मेरे पीछे। और ये हम लोग आ गए फिर से दूसरे रूट में। गाड़ी की तरफ याद नहीं आ रहा है, इस साइड आगे। अभी हम लोग को जाना है गाड़ी ढूंढने भाई। किधर है गाड़ी हम लोग का? हाँ भाई यहाँ पूरी मार्केट लगी हुई है। ये मतलब गाय भैंस जो भी कोई जानवर आप पालते हो उसके लिए मतलब जितना भी होता है रस्सी वगैरह सारा कुछ पट्टा वगैरह डॉग्स के लिए। तो मैंने भी अपने हनी के लिए पट्टा लिया है यहाँ पे भाई। तो काफ़ी सही रेट पे मिल गया, दरभंगा में ये पट्टा का काफ़ी ज़्यादा रेट मिल रहा था। तो चलो ये लेते हैं और फिर निकलते हैं हम लोग घर की तरफ। तो भाई यहाँ देख सकते हो बहुत सारे बकरियों का बाज़ार भी है। पूरा बकरी बाजार है इधर भाई। भाई बहुत सारा घोड़ा है भाई। ये देख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ ऐसा व्यू है मेला का जब आप इंटर करते हो। तो इधर भी बहुत कुछ है घूमने के लिए जो कि हम लोग नहीं एक्सप्लोर कर पाए। तो भाई चलते चलते हम लोग रुक गए थे बीच हाईवे पे और देखो कितना मस्त व्यू लग रहा है यहाँ से। बाइक दोनों कैसी लग रही है भाई? हाईवे पे पूरी लाइट लगी हुई है। फुल पावर भाई, फुल पावर तब आई है। अभी हम शूट नहीं कर रहे हैं बिकॉज रात का टाइम है और बहुत फास्ट में गाड़ियाँ जा रही है। तो यहाँ से अराउंड एक डेढ़ घंटे और लगेंगे पहुँचने में घर हमें। तो चलो फटाफट से पहुँचते हैं और घर पर इस ब्लॉग को एंड करेंगे। भाई बाइक कितनी मस्त लग रही है ये देखो। सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग मेला घूमते घूमते बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो गए थे क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यू राइड करा था पूरे दिन और रात में भी एक्सप्लोर करना चाहते थे लेकिन हम लोग इतने थक चुके थे कि हम लोगों को हिम्मत ही नहीं काम कर रहा था। तो हम लोग फाइनली घर चले आए। लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो सोनपुर मेला वाली तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं फिर से जाऊँगा मेला और आप लोगों के लिए पूरी मेला में जो सब चीज़ें लगी हुई हैं और जो सब चीज़ें मेरे से छूट गई है सारी चीज़ों के ऊपर ब्लॉग बना के आऊँगा। तो अगर आप लोगों को मेला की ब्लॉग देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, तभी मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं अपना नेक्स्ट राइड जो है वो प्लान करूँगा। तो कमेंट में करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।